ये मैं आपको दिखा देता हूँ, PR पब्लिक स्कूल है ये नानपुर में। इसके जो संचालक हैं मिस्टर सालम साहब हैं, जो मेरठ निवासी हैं। 1 जुलाई से स्कूलों का संचालन शुरू हो रहा है, तो बच्चों का आना जाना यहाँ हो जाएगा नानपुर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुराद से लगभग 5-7 किलोमीटर नानपुर, जो बिलारी चंद्रोजी रोड पर है। ये गांव के अंदर लास्ट में जाके ये स्कूल है, PR पब्लिक स्कूल। अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। यहाँ से फ़ोन आया था हमारे मास्टर साहब हैं, उनसे ही मैं बात कराऊंगा। यहाँ से फ़ोन आया था, स्कूल है, कोई सांप अंदर घुस गया है, तो दिखाते हैं आपको कौन सा सांप है। और खतरा दोस्तों हमेशा बना रहता है, सांप अगर दिखाई दे तो छेड़खानी बिल्कुल ना करें। लिंक में नंबर दे रखा, फ़ोन करें और कॉल करें। अब दिखाते हैं मैं आपको कौन सा सांप है, आइए। तो मैं पहुंच चुका हूँ इस टाइम स्कूल में, थोड़ा आ गया जाओ। यहाँ के जो संचालक हैं जनाब शाहलम साहब, जो मेरठ निवासी हैं, इनके स्कूल में। तो आपने कहाँ देखा था ये सांप? सर जैसा कि देखिए, कल को 1 जुलाई है और कल से जो है बच्चे आने शुरू होंगे स्कूल में। ये व्यवस्था देखने के लिए मैं स्कूल आया था। अच्छा। और इंजन विंजन खराब था, उसके सर्विस वर्विस करा रहा था मैं। तभी मैंने देखा कि पेड़ के नीचे जो है एक सांप बैठा था। ये सांप देख के मैंने किसी तरह की कोई छिड़कानी नहीं करी उससे, और हमने तुरंत ही अपने बाबू भाई हैं ये सांप पकड़ते हैं और जो है उन्हें सुरक्षित स्थान पर जो है पहुंचा दिया जाता है इनके द्वारा। बिल्कुल। तो मैंने तुरंत इनको सूचित किया और ये बेचारे आए हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, स्कूल है, बच्चों का स्कूल तो खुले नहीं है, खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर सांप है। हम ले रहे हैं आपसे उनसे। बेटा आप पीछे हट जाओ जरा। इस पे से ये ईटे ना सालम साहब, ये हटवा देना आप, क्योंकि हट जाएंगे ना इसमें सब। हर मतलब सांप का खतरा नहीं होता इसमें, जैसे बरसात चालू हो गई है तो इस टाइम इनका सीजन होता है हर जानवर का, कान खजूर वगैरह यही सीलन जगह में ज्यादा होते हैं, तो बच्चों को जो खतरा बना रहता है। यहाँ यहाँ क्योंकि सबसे ज्यादा ना सांप इसी ऐसी जगहों में बहुत घुसे हैं, ईंटों पे गिरे बहुत अच्छी मिल जाना है। हाँ तरी मिलती है और Thank you.
बड़ी है इन्हें कट्टा हल्का सा वो करी जा रहे थे उसमें अंदर देखना उसमें अंदर हाँ हाँ आपको मत देखना उसमें देखना कहाँ वो सही है हल्का सा बहुत अरे क्यों टैक परेशान हो रहे हो यार काटेगी तो बिल्कुल यार ऐसी बात है तुमने ध्यान ध्यान नहीं दिया भाई कहाँ को निकल गई वो चढ़ जा दीवाल माहिर होती है चढ़ने में ये पेड़ पे है और उस पे रुकती ना ना एक जगह जब सांप वो आदमी देख लिया ना तो सांप रुकता नहीं है एक जगह हाँ इधर से आई होगी इधर ही चली गई बेटे हटो ये बच्चों के पीछे से हटो ईंटे अरे मेरे पीछे ईंटे हटा लोगे जाही जगह बैठ जाओ मट्टे साहब जाही जगह में आ जाओ बहुत छोटी सी जगह में सिमट के बैठ जा हाँ हटा लो बेटे हो जाएगी रोक देना अब उस वाले से ही आराम से हटाओ कोई दिक्कत नहीं हाँ हाँ शांति चालू करो चालू देखिए चालू हो गई क्या काफी लंबी है भाई हाँ I think that's
बिच्छू भी ना पकड़ बहुत बड़ी खतरनाक होती है इसकी, पकड़ बहुत मजबूत होती है इसकी। हाँ कैचरी में है इस टाइम। आराम से धीरे धीरे, मैं टूटेगी ना यार, बहुत आराम से निकाल रही। आराम से नर है, नर है? नर है। और ये टाइम और मीटिंग का टाइम है इनका, ये मार्निंग जो होगी वो काले होगी, थोड़ी सी काली होगी इससे। फोकस करना जरा, बस 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 आ जाओ भाई। हाँ। धीरे धीरे बोर्ड खोल ली जरा, देखिए इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है। बैठा लो इधर जरा, वो निकाल ली बेटे जरा, क्या होता है गांव में भी अक्सर जहरीला समझ के मार देते हैं। मास्टर साहब मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, इसमें किसी तरह का वेनम या जहर नहीं पाया जाता, अपने बचाव के लिए सिर्फ काटती है। छेड़क छेड़े जाने पर आप छेड़खानी करोगे या से पैर रख जाए तब ये काटेगी, इसके अलावा ये नहीं काटेगी। चूहे के चक्कर में, खाने चक्कर में, अब ये बरसात का टाइम है, मीटिंग टाइम है इनका, तो ये इस वजह से घरों में अक्सर घुस जाती है। आराम से धीरे धीरे, चलो 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 इसमें एक तार था, अरे ना धो तो कोई बात ना, अब तुम ले लो जरा, अरे ये तुम ले लो जरा, तुम सब इधर आ जाओ बेटे, पीछे आ जाओ, सब सब पीछे आ जाओ, मैं बोलूंगा फिर जो पूछू बता देना। सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और वीडियो के माध्यम से मेरा बार बार ये अनुरोध रहता है कि अगर ये धामन सांप, इसकी पहचान मैं बता दूं आपको, आगे से पतला बीच में से मोटा होता है,
उकसाने पर ही काटती है या पैर रखने पर। अगर घर में घुस जाए तो लिंक में नंबर दे रखा है, फ़ोन कर सकते हैं, या अगर कुछ ना हो सके, नंबर भी ना मिल सके आपको, तो सांप को मारने का प्रयास न करें, उससे दूरी बना लें। और अगर कोई सा भी सांप आपको पहचान नहीं है तो इसे सांप को गंध किसी तरह की बर्दाश्त नहीं कर पाता है ये, तो आप अगर घर में घुस जाता है सांप और अगर आपके पास किसी का नंबर नहीं है तो आप जो है सरसों का तेल हो और मिट्टी का तेल हो उसका छिड़काव आप घर में कर सकते हैं। सांप ज़्यादा से ज़्यादा रुकेगा नहीं, गंध किसी तरह की बर्दाश्त नहीं करता है। तो सालम साहब जो संचालक है, सांप पकड़ लिया गया है, कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई आपका जी, तो आप हमारे बुलाने से आए और जो है एक तरह से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं क्योंकि, और उनकी भी बच्चों की बिंदु सुरक्षा हुई हमारी कल से, क्योंकि स्कूल खुलने 1 जुलाई है तो यहाँ बच्चों